विंग जस डॉग को डॉग का नाम लेते हुए कह रहा था, इथन कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए इथन, ऐसे जो ना विंग चिल्लाते हुए कह रहा था। जहाँ पे जो डॉग था ना वो इथन दौड़ते हुए आता है विंग की तरफ, जहाँ पे विंग नीचे झुकता है और नीचे झुकने के बाद जो ना इथन जो ना विंग के जो हाथों को जो ना ऐसे चाट रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और इथन को देख के विंग जस्ट एक स्माइल करता है और उसके बाद जो ना वो इथन को इशारा करता है कि वो उसका पीछा खड़े करके, तो इथन जो ना विंग का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वुशान भी जो ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का भी ध्यान अपने भाई की ओर जाता है, बट विंग जस्ट इग्नोर करता है और इथन को लेके जो ना विंग अपने उसका डॉग हाउस था ना वहाँ पे जाके बांध देता है। इसके बाद इथन के सामने वो फूड रखता है और जो मेड से कहता है कि इथन का ध्यान रखना करके। जहाँ पे विंग फिर अपने जो पेट्स थे, जो कैट्स थी उनके पास जाता है और जो बनीस थे उनके पास चला जाता है, जो उनके साथ ऐसे ही बैठ चुका था, जहाँ पे हमारा विंग, जहाँ पे वुशन भी जो ना विंग के पास आता है और विंग के साइड में बैठ जाता है और विंग को देखते कहता है तुम बताओगे क्या हुआ है तो तुम्हें। जहाँ पे विंग चुप ही था, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता है, जहाँ पे वुशन कहते हैं विंग बताओ अगर तुम ऐसे ही अंदर अपने रखोगे तो, विंग अगर तुम इन बातों को जो ना अपने अंदर ही रखोगे ना तो विंग तुम हर्ट हो जाओगे। जहाँ पे विंग ऐसे बातें अंदर रखना गलत बात है, विंग बोलो ना क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे बन गए। जहाँ पे विंग स्टिल कुछ भी नहीं कहता और विंग जो ना अपनी कैट्स को देखता है और उनके सर पे धीरे धीरे टैप करते जा रहे थे, बोले तो उन्हें सहलाते जा रहा था। और जो है ना हमारा वुशान देख रहा था कि विंग कैसे बिहेव कर रहा है करके। जहाँ पे विंग धीरे से कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वुशान कहता है क्या नहीं कर सकते विंग, विंग कहता है ये जो हो रहा है ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं। किसी का ख्याल रखना, उनके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करना, उनके लिए खाना बनाना, पेट का ख्याल रखना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि बिना अपनी मर्जी के उनके साथ सोना, वो तक नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरी फीलिंग नहीं है भाई, मैं क्या चाहता हूँ, ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है भाई, वो जो चाहते। लांसन ने कहा कि तुम बाइक से नहीं जाओगे, एक बार जब छोटा सा गिरा था मैं जस्ट, उसके बाद उसने कहा कि तुम बाइक से नहीं जाओगे, तो चलो ठीक है मैं नहीं गया। हमेशा वो मुझे अपने साथ घर में लेके जाता, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ भाई, बट मैं अपने दोस्तों के साथ ठीक से बोल भी नहीं पाता, चार शब्द बात भी नहीं कर पाता हूँ ठीक से। कहीं घूमने जाना चाहूँ तो वहाँ पे भी नहीं जा सकता हूँ भाई, कहीं पे भी नहीं। मुझे हर चीज़ जगह जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है और इजाज़त भी लूँ फिर भी मुझे जाने को नहीं मिलता है भाई, क्यों क्यों, क्या मेरी लाइफ खुद की लाइफ नहीं है, मैं कहीं जाना चाहूँ तो मैं खुद की मर्जी से क्यों नहीं जा सकता हूँ भाई, क्यों। जहाँ पे जो है ना वो शान जस्ट हमारे विंग को देखता है, विंग कहता है मुझे अभी अफसोस हो रहा है भाई कि मैंने क्यों शादी की, क्यों ये सब किया, मुझे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था भाई, मैं पागल हो चुका था, मुझे अब खुद से नफरत हो रही है कि मैं कैसा था और कैसा बन चुका हूँ, कैसा था और कैसा बन चुका हूँ भाई, मैं खुद के लिए खुद का टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं खुद अकेले रहना चाहता हूँ ना भाई, तो क्या मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। उस टाइम पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे काम दिया जाता है और मैं दिन भर वही काम करते रहता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, कॉलेज से आने के बाद जो है ना काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ रही है भाई, यहाँ पे सर्वेंट होने के बावजूद भी मुझे करनी पड़ रही है। मॉर्निंग में उठने के बाद आपको जहाँ आप जानते हो ना भाई मैं 11 बजे से पहले कभी नहीं उठता था, बट आप जानते हो यहाँ पे मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठो, सारे काम को कंप्लीट करो, काम कंप्लीट करने के बाद जाओ, लांसन को भी उठाना पड़ता है, खुद रेडी होने के बाद सारे लोगों की बातें सुनने के बाद अपने काम पे लिए अपने कॉलेज के लिए निकलो, कॉलेज में जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद कॉलेज में जाने के बाद तो इंसान को फ्रीडम मिलती है ना, बट लांसन वो मुझे हमेशा खुद के पास रखता है, वो कहीं जाने ही नहीं देता। मैं अपने दोस्त के साथ कुछ टाइम बात करना चाहूँ ना तो वहाँ पे भी वैसा है, तो लांसन हमेशा मेरे पास रहता है, और कुछ टाइम अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बिताने की बात करूँ ना, नहीं वो बातें भी नहीं करने देता, वो फिर से बीच में आता है और मुझे वहाँ से भी लेके चला जाता है। तो भाई ये मेरी कैसी ज़िंदगी है, क्या मैं इस तरह से जीने के लिए बनाऊँ, अगर मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है ना भाई तो मैं मर जाऊँ ना वही बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं खुद को मार डालूँ, ऐसे घुटघुटी की ज़िंदगी जीने से बेहतर है ना कि भाई कि मैं कहीं पे जाके मर जाऊँ। मैं अपने फैमिली के साथ जब भी टाइम स्पेंड करता था ना कभी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ था, डैड ने तो मुझे कभी नहीं रोका था कहीं जाने के लिए, डैड ने तो कभी मुझे अपने फ्रीडम के लिए कभी नहीं रोका था, और डैड अगर मैं कोई गलती भी करता था ना कभी रूड तरीके से कभी उन्होंने बात भी नहीं की थी। बट भाई यहाँ सब क्यों अलग है, क्यों भाई अलग, ऐसा क्यों है, क्यों सब क्या मैं अच्छा नहीं हूँ भाई,
मैं सब सबके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ सीख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिर भी सभी को जो ना कोई प्रॉब्लम रहती है भाई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई, मुझे ये मुझसे नहीं होगा भाई, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो ना कंटिन्यू रोते जा रहा था, तो हमारा विशान जो है ना उसे हक करता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और विंग को जो ना शांत करता है और कहता है विंग शांत हो जाओ, अगर ठीक है तुम्हें ये सब नहीं करना है ना, तुम उन्हें कह दो ना विंग। तो विंग कहते हैं मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं। लांसन भी जब भी आता है ना भाई, वो थोड़ी ना मुझसे बात करता है, उसे जो करना है वो सब करके चला जाता है। बट मेरी बातें थी यहाँ पे कोई भी नहीं सुनता है भाई। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा भाई। जैसे मैं कॉलेज से आता हूँ और आके सारी चीज़ों को संभालता हूँ, बट क्या मैं थकता नहीं हूँ भाई? कि मुझे मेरे अंदर फीलिंग नहीं, मैं क्या चाहता हूँ कि तो वो सब लोग जो मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते है भाई। मुझे ना भाई ऐसा लग रहा है कि मैं जी के क्या कर रहा हूँ, मुझे जीना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है भाई, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बस यहाँ से जाना चाहता हूँ भाई। मैं क्या यहाँ से जा नहीं सकता भाई, मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है भाई, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विशान कंटिन्यूस जो है ना विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विशान कहता है कि विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा फील करते हो भाई, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा फील कर रहे हो। विंग शांत हो जाओ, मैं सबसे बात करता हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं भाई, आपको बात करने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, उन लोगों को जो ना एक दूसरे को देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि कौन क्या चाहता है। तो बट मुझे लगता है भाई, मैंने सच में अपनी ज़िंदगी का एक जो गलत फैसला ले लिया है, जो मैंने लहसन से शादी कर ली है, यहाँ पे मेरे फीलिंग की कोई कदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे आज अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसा गलत फैसला कैसे ले सकता हूँ, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, मैं बिना सोचे समझे किसी के ऊपर हाथ ज़रूर उठाता था, बट कभी मैंने खुद के लिए कभी गलत फैसला नहीं लिया था भाई, कभी भी नहीं। बट आज मुझे रिग्रेट हो रहा है, ऐसे रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने क्यों, आखिर क्यों मैंने क्यों शादी की, क्यों ये सब क्यों किया। मुझे इसके बारे में 10 बार सोचना चाहिए था भाई, मुझे आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है भाई। और विंग रो रहा था जहाँ पे भूषण उसे संभाल रहा था। भूषण कहते विंग सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो विंग कहता है आपने जैसा कहा था कि एडजस्ट करो विंग, तो मैंने एडजस्ट किया भाई। तो एडजस्ट करने के बाद क्या हुआ, देखो मैं तो पूरी तरह चेंज हो चुका ना, मेरा तो मुझ में खुद कुछ भी नहीं रहा। वो जो चाहते मैं वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरा क्या भाई, मैं क्या चाहता हूँ? किसी को कोई परवाह है? कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? तो यहाँ तक कि भाई वो लोग जो खाते मैं वही खा रहा हूँ। आपने देखा मैं क्या ऐसा फूड कभी खाता हूँ? शायद जो मैंने फैसला लिया था ना भाई, वो सबसे बड़ा घटिया फैसला था, मेरी ज़िंदगी का गलत फैसला था। जहाँ पे भूषण कहता है विंग ऐसा मत कहो, तुम मैं लांसन से बात करता हूँ। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और अगर आपने किसी से ये बातें कही तो याद रखिए भाई, मैं यहाँ से चला जाऊँगा सबसे दूर, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं जस्ट अकेला रहूँगा, अकेला। मुझे अकेले रहने में अच्छा लगेगा, बट ये सब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने किसी को भी बताया मैं क्या चाहता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो लोग मुझे समझते ना, तो मेरी फीलिंग की कदर करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, तभी विंग के पास जो है ना उसके बनीज आते हैं, जहाँ पे विंग अपने भाई को ब्रेक करता है। और विंग बिना अपने भाई को देखे हुए जो ना बनीज को लेके जो ना उसके जो पिंजरा था ना वहाँ पे लेके चला जाता है, और वहाँ पे बैठते हुए कहता है देखिए भाई कैसे नहीं कैसे मैंने पिंजरे में कैद कर दिया है ना, वैसे मैं हूँ, मैं जो मुझे भी ऐसे ही पिंजरे में कैद करने वाली फीलिंग आती है भाई। और विंग वहाँ से उठ के जो ना अपने कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ पे भूषण स्टील हमारे विंग को जाते हुए देख रहा था। और भूषण के बीच जो ना आँखों में एक परत थी, हाँ भूषण जो ना मिच्योर हो चुका है, भूषण को सारी चीज़ों को बचपन से ही उसे हैंडल करना सिखाया गया था, इसलिए जो ना वो भूषण मिच्योर है। बट विंग थोड़ी ना मिच्योर था, वो जस्ट अपने फन लाइफ को जीना चाहता था, फन तरीके से वो घूमना फिरना यहाँ वहाँ जाना, विंग को सारी चीज़ें पसंद आती थी। उसने कभी जो है ना इन सारी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं रखा था, और उसके डैड ने कभी जो ना विंग को ऊपर कभी जिम्मेदारियाँ नहीं डालती, विंग जो करना चाहता था ना विंग को वो करने दिया गया था इसके कारण। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं।
जहाँ पे वांग जी और लानसान दोनों आ चुके थे, मिस्टर लैन भी आ चुके थे, लैन क्यूरान भी आ चुका था। जहाँ पे आने के बाद जो है ना विंग का जैसा काम था, उठो खाना बनाओ वो सारी चीज़ें करो, विंग जस्ट अपना काम कर रहा था। अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे लानसान बैठा हुआ था, जहाँ पे लानसान अपना काम कर रहा था। विंग जाता है, फ्रेश होके आता है और लानसान की ओर देता है। जस्ट लानसान अपना काम करते जा रहा था, विंग जस्ट लानसान से कहता है कि चलो डिनर लग चुका है। जहाँ पे लानसान कहता है हाँ विंग मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग नीचे आ जाता है। विंग नीचे आने के बाद सभी लोग जो ना डिनर टेबल पे बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग भी आता है, भूषण और वांगजी जो ना एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। जहाँ पे भूषण हमारे वांगजी को बोले तो हमारे विंग को देखता है, बट विंग स्टिल ऐसा ही था। और विंग बैठा हुआ था जहाँ पे मेट्स आके खाना दे रही थी, जहाँ पे लानसान भी ऊपर से आता है। और लानसान आने के बाद जो है ना सब लोग जो ना खाना खाना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे हमारा विंग भी खाना खा रहा था। जहाँ पे भूषण देखता है कि सच में विंग तो ब्लैंक फूड खा रहा है करके, जहाँ पे विंग ऐसे ही चुपचाप अपना खाना फिनिश करता है और वो जल्दी खा लेता है, वो ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहा है। वो भूषण देखता है कि विंग जस्ट एक बाउल राइस खाता है और सूप पी के वो वहाँ से जा चुका था करके। अपनी प्लेट को बेसमेंट में रखने के बाद जो है ना विंग बाहर आता है और सभी लोगों की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के जो काम थे नाइट वाले वो अपने काम करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे भूषण देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग खाओ ना, जहाँ पे विंग सिर्फ भूषण कहता है ठीक है और भूषण खाना खाता है। जहाँ पे विंग गार्डन एरिया में बैठा हुआ था तो विंग अपने डॉग्स को बोले तो सभी लोगों को जो ना खाना दे रहा था नाइट वाला, तो तभी जो ना हमारा लानसान भी आता है विंग के पीछे और विंग से कहता है विंग, तो विंग जस्ट लानसान की ओर देखता है और कहता है तो लानसान विंग के सामने जो ना एक डॉक्यूमेंट रखते, कहते हैं विंग इस पर सिग्नेचर कर दो। तो विंग कहता है ये है क्या, तो लानसान कहते विंग तुम अब बाइक नहीं चला रहे हो तो मुझे लगता है कि इस बाइक को बेच देना चाहिए, तो विंग इस पर सिग्नेचर कर दो, मैंने इस बाइक को जो है ना बाइक के लिए अच्छा जो है ना खरीदार ढूंढ लिया है, उसे तुम बेच सकते हो, हम बाइक को बेच देंगे। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो वो विंग पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग के बाइक का बर्थडे अभी आने वाला था रिसेंटली। जहाँ पे विंग कहता है क्या, तो लानसान कहता है हाँ विंग अब तो तुम बाइक नहीं चलाने वाले, अब तुम खाली लेके जाओगे तो बाइक का क्या काम विंग। जहाँ पे स्टिल विंग हमारे वांगजी को देख रहा था घुर घुर करते, अरे वांगजी को नहीं यार लानसान को घुर घुर के देख रहा था। जहाँ पे तभी जो है ना विंग कहता है कि बट हम उसे रख भी सकते हैं ना, तो लानसान कहता है विंग उसका क्या काम है, तो विंग कहता है बट वो मेरी गिफ्ट है। तो लानसान कहता है विंग अगर तुम्हें फ्यूचर में चाहिए होगी तो मैं उससे अच्छा मॉडल ला के दूंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट लानसान को देखता है और कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं, और विंग वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए जो ना उसका ध्यान भूषण की ओर जाता है, क्योंकि भूषण वहीं पर खड़ा था और वो सुन रहा था। जहाँ पे जो है ना विंग अपने भाई को देखते हुए जो ना एक टूटी सी स्माइल देता है, जहाँ पे विंग की आंखों में जो ना आंसू थे और विंग के फेस पे एक स्माइल थी, जहाँ पे वो अपने भाई को देखते हुए दे रहा था। जहाँ पे भूषण जब ये देखता है ना तो भूषण खुद फ्रीज हो जाता है, क्या उसका भाई ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद जो है ना भूषण लानसान के पास आता है और कहता है लानसान तुम जानते नहीं हो क्या, तो लानसान क्या क्या हुआ है, तो लानसान के पास भूषण बैठ जाता है और कहता है तुम्हें नहीं पता मेरे डैड ने उसे ये बाइक गिफ्ट दी थी और उसके लिए ये प्रीशियस है, वो ये बाइक कितनी बार भी ख़राब हो चुकी है बट फिर भी विंग को ये बाइक पसंद है, विंग जस्ट इस बाइक को जो हर बार जो ना मॉडल चेंज करवाता है, हर बार उसे जो है ना रिपेयर करता है, अलग अलग स्टाइल में डिज़ाइन करवाता है, बट वो कभी इसे बेचने की बात नहीं करता है, और तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हें पता है वो उसके लिए जान से प्यारी है और अभी रिसेंटली तो उस बाइक का बर्थडे भी आने वाला है। तुम जानते हो हर बार विंग जो ना अपने बाइक का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग बोलते हुए शान जो ना अपने फ़ोन को निकालता है और लानसान को दिखाता है, जहाँ पे लानसान देखता है कि विंग कैसे अपने बाइक का बर्थडे सेलिब्रेट करता है करके, कितनी सारी बाइक्स रहती है वहाँ पे और विंग अपने बाइक के साथ कैसे इंजॉय करता है, घूमता है, कितनी ज़्यादा स्टंट करता है करके, वो सारे लोग देखते हैं। जहाँ पे विंचिंग मैम जो टॉम बॉय की तरह दिखती है वो थी, सारे लोग वहाँ पे थे। जहाँ पे लानसान देखता है कि विंग कितना ज़्यादा उसमें खुश है करके, वो सारी चीज़ें कर रहा है करके, तो भूषण कहते हैं देखा वो कितना ज़्यादा इंजॉय करता है अपने बाइक वाले बर्थडे के, और तुम उसे बाइक को बेचने के लिए कह रहे हो, उसे बहुत ज़्यादा बाइक पसंद है विंग, लानसान ऐसे कहता है। जहाँ पे लानसान स्टील ऐसे देख, तभी पीछे से वांग जी आता है और कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, भूषण हमें चलना नहीं है क्या, मोम डैड इंतजार कर रहे होंगे, तो भूषण कहता है हाँ। और भूषण जस्ट लानसान की ओर देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए विंग की बाइक को बेचने से पहले।
तो जो है ना लास्ट कहते ऐसे कहता है और भूषण और वांगजी जो ना सबको गुड बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और भूषण जो ना अपने भाई से मिलना तो चाहता था बट वो नहीं मिल पाया बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हमारा लांजान जो ना कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद जो ना वो हमारे विंग को देखता है जहाँ पे विंग सो चुका था। और लांजान आता है और कहते विंग विंग, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो लांजान को लगता है कि विंग सो चुका है करके। तो अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे जो है ना विंग अपना मॉर्निंग विंग उठ चुका था, उठने के बाद अपने सारे कामों को कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद जो ना वो रेडी होके जो ना ऐसे बैठा हुआ था क्योंकि अभी उसे जो ना कॉलेज जाना था, इसलिए जहाँ पे मैडम लाना थी और कहते विंग तुम रेडी हो चुके हो, तो विंग कहता हाँ। तो मैडम ने कहते ठीक है, और विंग को जो ना कहती है कि आज टिफिन लेके जाओ करके, जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है और विंग अपने बैग में उस टिफिन को डाल देता है। जहाँ पे हमारा लांजान भी आता है कुछ टाइम के बाद और ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके बैठ जाता है और विंग से कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए आओ करके, तो विंग कहता है मैंने कर लिया है करके, मुझे भूख नहीं है करके। तो लांजान कहते ठीक है तुमने कर लिया है तो ठीक है। और उसके बाद जो ना लांजान और विंग जो ना कॉलेज के निकल जाते, कॉलेज में पहुँचने के बाद जो है ना विंग अपने क्लास में बैठा हुआ था और लांजान भी उसके पास बैठा था। लांजान जस्ट विंग को देख के स्माइल कर रहा था और विंग से कह रहा था कि ये कैसे करना होगा, तो विंग जस्ट उसे आंसर दे रहा था और विंग स्टिल चुपचाप था। जहाँ पे मैं जो पीछे बैठी थी वो विंग से कहती है विंग तुम्हें हुआ क्या है बताओ ना मुझे। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है, और विंग जस्ट बुरा फील कर रहा था, वो कुछ भी किसी से कहना नहीं चाहता था बिल्कुल भी नहीं। तो लांजान जो है ना लांजान का फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो लांजान अभी क्लास फिनिश हो चुकी थी, लांजान वहाँ से चला जाता है और फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद जो ना हमारा लांजान वापस आ जाता है और विंग को देखता है और कहता है विंग, तो विंग कहता है तो विंग के दोस्त कहते हैं कि लांजान देखो ना वो हमारे साथ नहीं चल रहा है। तो लांजान कहते कहाँ कहाँ नहीं चल रहा है, तो जो है ना उसके दोस्त कहते हैं कि विंग के बाइक का बर्थडे आने वाला है रिसेंटली। तो विंग हर बार अपनी बाइक का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है बट वो इस बार कुछ भी नहीं कह रहा है देखो ना। तो उसके जो है ना हमारा लांजान जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग साइलेंट था जस्ट चुप था, जहाँ पे लांजान कहते विंग, बट विंग कहता है बोलिए ऐसे कहता है। तो लांजान कुछ भी नहीं कहता, विंग फिर से शांत हो जाता है और विंग कहता है मुझे लाइब्रेरी जाना है करके। वो सभी लोग शॉक थे, क्या विंग को लाइब्रेरी जाना है, तो वो लोग सब शॉकिंग देख रहे थे। जहाँ पे विंग से वो लोग पूछ भी लेते कि विंग तुम लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो, तुम तो लाइब्रेरी नहीं जाते हो ना। तो विंग स्टिल सभी लोगों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है और लांजान भी देख रहा था। तभी पीछे से जो है ना और एक इंसान आता है और वो कहते हैं विंग कहाँ जा रहा है। तो तभी जो है ना वो लोग कहते क्या आप लांजान हो और ये वांग जी, तो वो कहते हैं हाँ। और जो है ना लांजान कहते क्या हुआ है विंग कहाँ जा रहा है, तो भाई आप यहाँ आप मैं अब जस्ट आपको मिलने के लिए आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ बट विंग को हुआ क्या है। तो लांजान कहते क्या मतलब है भाई विंग तो ठीक है। तो हमारा वांग जी कहते विंग थोड़ा अजीब लग रहा था। तो लांजान कहते मतलब भाई, तो लांजान कहते हैं हमारा वांग जी कहते हैं तुमने देखा नहीं वो कैसे रह रहा था, पहले तो जब भी हमारे साथ कॉलेज में वो मिलता था तुम्हें याद नहीं वो कितना ज़्यादा चेयरफुल रहता था, कितना ज़्यादा मज़े करता था, वो बहुत सारी चीज़ें करता था तुम्हें पता नहीं, हम तो उससे परेशान हो जाते थे बट वो तो पूरा अजीब लग रहा था, तुमने उसे नोटिस नहीं किया। तो लांजान भी थोड़ा सा सोचता है कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है। जहाँ पे लांजान कहते हैं भाई उसकी शादी हो चुकी ना इसके कारण, बट लांजान ऐसे कहता है तो वांग जी कहते हैं बट मैं तो चेंज नहीं हुआ हूँ और ना ही भूषण चेंज हुआ है, बट विंग ही क्यों चेंज हुआ है और तुम भी तो चेंज नहीं हुए हो ना, तो विंग ही क्यों ऐसे चेंज हुआ है बताओगे मुझे क्या हुआ है। जहाँ पे और उसके दोस्त बता रहे थे कि उसकी बाइक का बर्थडे, तो बट उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उनकी बाइक के बर्थडे के दिन पे। तभी मैम कहती हाँ सही कहा आपने, क्योंकि हम भी कुछ दिनों से जो ना नोटिस कर रहे विंग को, विंग 2 महीने हो चुके हैं जहाँ पे विंग ना हंसता है ना खेलता है ना हमसे बातें भी करता है कुछ भी नहीं, वो स्टिल साइलेंट रहता है, वो जैसे ऐसे आंसर देता है, जो पहले जैसा विंग था ना वो वैसा कुछ भी नहीं है। हम बार बार नोटिस करते हैं, हम विंग से बार बार पूछते हैं बट विंग कुछ भी रिस्पांस नहीं देता हमें, कुछ हुआ है क्या। जहाँ पे लांजान कहता है भाई ऐसा कुछ तो नहीं है, और मैं ऐसा कुछ भी तो नहीं है सब कुछ तो ठीक है ना। तो लांजान कहता है बट लांजान ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है बट वांग जी लांजान तुम्हें थोड़ा विंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विंग की हालत देखने के बाद मुझे नहीं लगता है तुमने देखा नहीं विंग का फेस। जहाँ पे लांजान क्या हुआ है, जहाँ पे जो वांग जी कहते हैं तुमने नोटिस नहीं किया क्या कि विंग अपने फेस पे मेकअप लगा रहा है, तुमने देखा नहीं विंग का फेस कभी ऐसा नहीं था बिल्कुल भी नहीं, विंग के फेस पे मुझे साफ साफ मेकअप नज़र आ रहा था, वो तो ऐसे नहीं था ना पहले। तो लांजान कहते भाई आप लगता नहीं आप ज़्यादा मेरे हस्बैंड को देख रहे हो, तो वांग जी कहते हैं मैं सीरियस हूँ,
तो लंदन शांत हो जाता है। जहाँ पे मैम कहती हाँ सही कहा, मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है। तभी जो है ना शौशन भी आता है और कहता है हाँ मैंने भी नोटिस किया है, वो तो लास्ट टाइम जब मेरे पास खाना बनाने के लिए सीखने के लिए आया था तब से वो आया ही नहीं, और उसने मुझसे कुछ बातें भी नहीं की। तो लंदन क्या, तो शौशन कहता हाँ विंग मेरे पास आया था खाना बनाना सीखने के लिए, तुम्हें पता नहीं वो मेरे पास एक हफ्ते तक आया था और उसने खाना बनाना सीख लिया था, उसके बाद वो मेरे पास आया ही नहीं और हम लोगों ने ज़्यादा बात भी नहीं की, ऐसे कहता है। तो लांजा कहता है ओह अच्छा, मैं घर में जाने के बाद उसके साथ बात करूँगा, ऐसे कहता है। और पंकज जी कहते हैं मैं अंकल से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जो ना वो वहाँ से चला जाता है, बोले तो हमारा वांग जी जो ना वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग लाइब्रेरी में जाने के बाद जो ना किताबें के ढेर के बीच में बैठा हुआ था और वो जस्ट पढ़ रहा था। बर्फ पढ़ते हुए जो ना विंग की आंखों से जो आंसू जो थे ना वो किताब पे पढ़ते जा रहे थे, विंग के आंसू जो ना वो किताब पे पढ़ते जा रहे थे। वो बुरी तरह से जो ना उसे रोना आ रहा था, बट वो अपने मुँह पे हाथ रख देता है और विंग कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो साइलेंट हो जाता है पूरी तरह से। जिसके बाद हम शाम को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग जो ना घर जाने के लिए रेडी थे, बोले तो कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी तो सभी लोग जाना चाहते थे, तो सभी लोग जो जाने के लिए रेडी हो चुके थे। यहाँ तक कि हमारा लांसान भी, लांसान आता है लाइब्रेरी में और विंग को ढूंढता है, जहाँ पे उसे विंग नज़र नहीं आता और विंग के दोस्तों से भी बात करता है विंग का हाई करके। तो उसके दोस्त बताते कि विंग तो लाइब्रेरी में गया था करके, तो वो विंग को ढूंढता है, विंग कैंटीन एरिया में कहीं पे तो होगा, बट विंग उसे नज़र ही नहीं आता। जहाँ पे लांसान जो थोड़ा डर जाता है और लांसान क्या बोलते हैं विंग को यहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ जो ना विंग के जो दोस्त थे ना वो भी ढूंढ रहे थे जहाँ पे, बट हमारा विंग जो ना किसी को भी नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी नहीं। और लांसान जो विंग को कॉलेज में ढूंढता है, यहाँ तक कि वो घर में भी फ़ोन करता है कि विंग घर में आया होगा तो, बट मैडम लाने कहती है कि विंग तो नहीं आया है करके। सारे लोग से पूछता है लांसान, बट उसे नहीं पता चलता है। लांसान यहाँ तक कि जो ना उशान को भी कॉल करता है और पूछता है कि क्या वहाँ पे जो ना विंग आया है करके, तो उशान कहते हैं नहीं, तो लांसान कहते हैं कि विंग मिल नहीं रहा है करके, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है बट वो हमें मिल ही नहीं रहा है करके। तो भूषण भी थोड़ा टेंस हो जाता है और भूषण कहता है कि मैं आ रहा हूँ करके, और भूषण जो ना कॉलेज में आ जाता है जहाँ पे लांसान भी आ चुका था और वो सभी लोग ढूंढ रहे थे। जहाँ पे लाइब्रेरी में जो सीसीटीवी फुटेज थी ना वो वहाँ पे चेक करते, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो विंग जो ना टेबल पर बैठा हुआ था और अपने फेस पर जो ना अपने हाथ रखे हुए था, उसके बाद जो है ना विंग वहाँ से अचानक से चला गया करके, वो किताब को सही जगह पर रखने के बाद वो वहाँ से चला गया करके। उसने बाहर गेट से बाहर जाने तक का जो ना सब कुछ देखा और उन्हें नहीं पता चला कि विंग कहाँ गया करके। उन्होंने देखा कि विंग ने जो ना अपने बैग को कहीं पे रखा है करके, तो वो जो लोग जाते हैं जल्दी से और वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे जो है ना कॉलेज का जो स्टोरेज रूम था ना वहाँ पे जो ना विंग ने बैग रखा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वीडियो बोले तो जो सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि विंग स्टोरेज रूम में गया था, उसके बाद जो ना वो अपने साथ बैग नहीं लेके आया था करके। तो वहाँ पे जाते हैं और विंग के बैग को चेक करते हैं, जहाँ पे विंग ने सारी चीज़ें उसके कार्ड हो या सब कुछ वहीं पे रखा था। उसने अपना फ़ोन भी वहाँ पे रख दिया था, उसने कुछ भी जो ना अपने साथ नहीं लेके गया था, यहाँ तक कि जो उनकी वेडिंग की रिंग थी ना वो भी वहीं पे रखी थी सब कुछ। जहाँ पे लांसान ये जब देखता है ना वो शौक हो जाता है और कहते हैं यहाँ पे ये सब क्यों रखा है। जहाँ पे भूषण कहते हैं क्या है मुझे दिखाओ, और भूषण सारी चीज़ों को देखता है और भूषण कहते विंग तुम क्या करना चाहते हो, विंग तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भूषण को डर लगता है। और भूषण जल्दी से जो है ना, भूषण ने पहले माफिया के जो काम किए थे ना, तो भूषण के बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, वो भूषण जो है ना अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ना अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए जो है सारे लोगों के बीच में फोटो को सर्कल बोल तो भेज देता है, जिसके कारण जो ना विंग का पता लगाने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी और लांसान और भूषण तीनों ऐसे ही वो पता करने की कोशिश कर रहे थे, बट पुलिस कंप्लेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए थे ना विंग को गायब हुए, तो इसके कारण 24 घंटों के भीतर जो ना कंप्लेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए जो ना सभी लोग ढूंढ रहे थे। विंग के दोस्त, विंग की फैमिली को भी पता चल चुका था, यानी विचांसे और कांसा सरन को भी पता चल चुका था कि उन्होंने भी तो अपने बेटे से बात नहीं की थी, इतने टाइम हो चुका था, तो उन्होंने भी जो ना इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। बट अब अगर उन्हें पता चल रहा है कि उनका बेटा गायब है करके, तो वो डर जाएंगे ना, तो ऐसा ही हुआ था। और वो ढूंढ रहे थे, सभी लोग जो ना विंग को ढूंढ रहे थे, बट विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। विंग कॉलेज से बाहर गया, किस डायरेक्शन में गया वो भी नहीं था। बाहर के जो सीसीटीवी फुटेज थे, जहाँ पे बहुत सारे शॉप थे उनके सामने से भी जो सीसीटीवी फुटेज थे वो सब लोग हो रहा था। तो जस्ट भूषण के हाथ में जो है ना एक क्लू लगता है, जहाँ पे जो ना विंग किस जस्ट वहाँ पे झलक दिखाई गई थी, जहाँ पे विंग जस्ट कॉलेज से बाहर आया ना तो एक ब्लैक कार आई और विंग ब्लैक कार में बैठ के वहाँ से चला गया करके। जहाँ पे जो है ना भूषण जब ये देखता है ना, तो भूषण उस कार के नंबर को निकालता है और उसके बाद जो ना उस कार का नंबर पता चल जाता है, जिसके बाद जो ना भूषण जल्दी से वहाँ पे पहुंच जाता है। वो और कोई नहीं, वेंचिंग का घर था, जहाँ पे वेंचिंग और विनिंग रहते थे, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स थे। जहाँ पे भूषण आता है और भूषण के साथ जो ना लांसान और वांगजी भी आ चुके थे। जहाँ पे वो लोग आते हैं, जहाँ पे वेंचिंग जब उन्हें देखती है ना, तो वेंचिंग जस्ट उन्हें ग्रीट करती है और कहते हैं हेलो क्या हुआ है आप लोग यहाँ पे। जहाँ पे जो ना भूषण कहते हैं विंग कहाँ है, विंग यहाँ पे है, तो वेंचिंग स्टिल शांत हो जाती है और वेंचिंग कहते
नहीं विंग यहाँ पे नहीं है। तो भूषण कहता है मैंने साफ साफ देखा कि तुम इस कार में जो है ना भूषण को यहाँ पे विंग को यहाँ पे लेके आई हो करके। तो जो है ना विंग जी कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो मेरी कार तो कब से चोरी हो चुकी है, टाइम हो चुका है इसे चोरी हुए। क्या हुआ है कि विंग कहीं पर गया है क्या? तो वो कहते हैं विंग मिल नहीं रहा है। लांसर कहते हैं क्या तुम्हारे पास है विंग, प्लीज़ मुझे बता दो। बट वो कहते नहीं मैं नहीं जानती बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे भूषण कहते हैं प्लीज़ वेंचिंग बता दो मेरा भाई कहाँ है। तो वेंचिंग कहते मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे पता भी होगा ना तो मैं बताऊँगी नहीं। प्लीज़ मैं मेरे फैसले की रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। जहाँ पे वो कहते हैं इसका मतलब तुम्हें विंग के बारे में पता है? तो वो कहती है मुझे पता भी होगा फिर भी नहीं बताऊँगी, ऐसे कहती है। और जो है ना फिर विनिंग की ओर देखते हैं वो लोग और कहते विनिंग तुम्हें पता होगा प्लीज़ बता दो बता दो। बट विनिंग भी कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं कुछ भी नहीं बताया, ऐसे कहता है। और जो है ना सभी लोग जो ना विंचिंग से सवाल पूछते हैं कि प्लीज़ बता दो तुम ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत सारे जो ना विंचिंग से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। बट विंचिंग कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती, ऐसे कहती है। और विंचिंग कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ तो रखा होगा विंग ने, तुमने देखा, तुम तो इतना पता लगा चुके होंगे कि विंग भाग गया है करके, तुमने विंग ने जो तुम्हारे लिए छोड़ा उसे नहीं देखा क्या? विंग के बैग में चेक कर लेना और आप लोग यहाँ से जा सकते हो, ऐसे कहते। भूषण कहते हैं विंचिंग तुम्हें पता है इसका मतलब विंग कहाँ है? तो विंचिंग कहते हैं काश मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता भी देती, बट विंग ने मुझे बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया, जस्ट विंग चला गया सबसे दूर वो जाना चाहता था, आपको पता था ना विंग सबसे दूर जाना चाहता था। तो भूषण शांत हो जाता है और जो है ना लांसन कहते क्या क्या मतलब है भूषण क्यों चला गया यार, विंग क्यों चला गया, ऐसे जो ना लांसन कहते हैं। जहाँ पे विंग जी कहते हैं खुद से पूछो कि वो क्यों चला गया है करके, और प्लीज़ यहाँ से आप चले जाइए, और मैं नहीं चाहता कि हम लोगों की प्राइवेसी में आप लोग दखल दे करके, और ऐसे कहते हैं। और जो है ना गार्ड्स आ जाते हैं और जो लांसन और वांग जी और भूषण को वहाँ से निकाल देते हैं। जहाँ पे विंचिंग डोर बंद करने के लिए कह देते हैं, जहाँ पे विंचिंग मन में कहते हैं मैं किसी को भी नहीं बता सकती बिल्कुल भी नहीं, विंचिंग बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी अगर तुमने किसी को बताया तो विंग तुमसे कांटेक्ट नहीं करेगा, ऐसे जो है ना विंचिंग गुस्से कहती है। इसके बाद जो है ना लांसन और भूषण और वांगजी बाहर थे, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे थे। जहाँ पे लांसन कहते हैं आप क्या कह रही थी, वो विंग यहाँ से जाना चाहता था क्यों 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 यहाँ से जाना चाहता था, वो बताइए ना क्या हुआ था विंग को, विंग ने मुझे कुछ क्यों बताया नहीं, क्या हुआ उसे। जहाँ पे जो है ना भूषण जो है ना रोना स्टार्ट कर देता है और जो ना वांगजी उसे संभालते हैं और कहते भूषण क्या हुआ है मुझे बताओ ना भूषण। बट भूषण कुछ भी नहीं कहता बिल्कुल भी नहीं, वो शांत था, वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था। जिसके बाद जो है ना हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं लैंड मेंशन में, जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे और जो ना विंग के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब 24 घंटे बीत चुके थे तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी, बट भूषण का कुछ भी पता नहीं लग रहा था, बोले तो हमारे विंग का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और जो है ना भूषण ने जो ना अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट थे, बोले तो जो माफियाज थे उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, उन लोगों को जो ना पता चला कि विंग जो ना बोले तो एयरपोर्ट पे आया था करके, बट एयरपोर्ट पे आने के बाद वो गायब हो चुका करके, बोले एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं गया करके, वहाँ से कहीं तो गया करके। बट वो बहुत सारी उसने कार चेंज की, उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, और विंग ने जो ना अपना हुलिया भी चेंज कर दिया करके, वो पूरी तरह से ये करके मास्क वगैरह लगा के करके वो लोग ढूंढने की कोशिश करे करके, बट विंग का उसे पता ही नहीं चल रहा करके, उन्हें सब लोगों को जो ना ये पता चल चुका था। बट विंग कहाँ है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो किसी को भी समझ भी नहीं आ रहा था। और सभी लोग जो ना टेंशन में थे, सभी लोग टेंशन में थे कि विंग कहाँ है, क्या हुआ है उसे, विंग क्यों यहाँ से चला गया। यहाँ तक कि विंग की फैमिली अभी चांसे और विकांसा सरन जो ना वो रो रहे थे क्योंकि अपने बेटे से जो ना शादी के बाद उन लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की थी, वो जस्ट अपने ख्याल रख रहे थे वो सारी चीज़ों को, इसलिए जो ना उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि विंग खुश था ना, क्योंकि विंग ने स्टार्टिंग में कहा था कि वो लांसन से शादी करना चाहता है करके, तो उन्हें नज़र आया था कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है करके। बट अचानक से उसे क्या हो गया उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, वो खुद शॉक में जा चुके थे। यहाँ तक कि लैन फैमिली और वी फैमिली भी, सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन लांसन की थी। जहाँ पे लांसन कंटिन्यू रोते जा रहा था और वो कह रहा था कि विंग कहाँ है ऐसे कह रहा था। और भूषण भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे अपने भाई का साथ देना चाहिए था, उसे बता देना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था ऐसा जो ना हरकत करने से पहले, वो सारी चीज़ें जो ना भूषण के मन में भी चल रही थी। तो अब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि विंग कहाँ चला गया और क्या भूषण कुछ बताएगा या नहीं, तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलने वाला है। ओके बाय बाय।